Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे मेंडेलीव्स ने पीरियोडिक टेबल में क्या कंट्रीब्यूशन दिया. सो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल सबसे पहले जो एकदम वेल डिफाइंड आई थी इतने सारे साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बाद जो क्लासिफाई हुए थे एलिमेंट्स वो किसने किए? मेंडेलीव साइंटिस्ट ने किए. सो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मेंडेलीव ने क्या बोला अपने लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल में कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका फंक्शन होती है? उनके एटॉमिक वेट का, एटॉमिक मास का. सो एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन. जिस टाइम मेंडेलीव ने हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई उस टाइम कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे? ओनली 63. द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज. उन्होंने पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे आप क्या बोलते हो? पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट जाता है. एंड 8 वर्टिकल कॉलम, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ आपके कॉलम होते हैं, जिसे आप बोलते हो जो 8 वर्टिकल कॉलम्स, और आप उसे ग्रुप भी बोलते हो. वो ग्रुप में हमने डिवाइड किया. 0 ग्रुप वॉज एडेड लेटर ऑन इन द मॉडिफाइड मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. जो हमारा 0 ग्रुप है वो बाद में एड हुआ जब हमने मॉडिफिकेशंस की, जब हमने उसे अप्लाई किया. पहले जो मेंडेलीव ने हमें पीरियोडिक टेबल दिया, जब हमने उसे अप्लाई किया सारे एलिमेंट्स में, तो कुछ उसमें शॉर्टकमिंग्स आई, कुछ उसकी ड्रॉबैक्स आई, तो उसे जब हमने रिकवर किया और फिर जो मॉडिफिकेशन की अपने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, उसमें सबसे पहली मॉडिफिकेशन क्या थी? हमने 0 ग्रुप को ऐड किया. ठीक है, तो ये है हमारे सामने जो हमारा बना हुआ है. ये हमारा मेंडेलीव्स का पहले वाला है, विदाउट मॉडिफिकेशन वाला. इसमें आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके 7 पीरियड्स हैं, या आप हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कॉलम. और ये आपके कॉलम्स हैं, कितने? 8 कॉलम्स, जिसे आप क्या बोलते हो? ग्रुप. ये थी हमारी मेंडेलीव की डिस्कवरी. अब इम्पोर्टेंस क्या है उनके इस पीरियोडिक टेबल की? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. इसमें हमारी जो स्टडी थी एलिमेंट की वो बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक हुई, क्योंकि हमने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया, उसे बहुत ज्यादा सिस्टम में रखा, हर एलिमेंट को प्रॉपर स्पेस मिला, फिर उन्हें हमने ग्रुप में, पीरियड्स में डिवाइड भी किया फर्दर. तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हुई कि हमें बहुत सिस्टमेटिक वे मिला अपने एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट इज प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. जो हमारे नए एलिमेंट्स आए और उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना इजी था. ही लेफ्ट स्पेस फॉर द एलिमेंट्स. जब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया मेंडेलीव ने, तो उन्होंने वहां पे स्पेसेस छोड़े. स्पेसेस किसके लिए छोड़े? उन्हें पता था कि वहां पे दूसरे एलिमेंट्स आएंगे, उस एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स आएंगे, उसकी वजह से हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब ना हो, उन्होंने वहां पे स्पेसेस छोड़े. So he left space for elements yet to be discovered. He left spaces for gallium and germanium. उन्होंने gallium और germanium के लिए space छोड़ा, जिनको बाद में क्या नाम दिया गया? Era aluminium and Eka silicon. Era aluminium for gallium and Eka silicon for germanium. ठीक है, तो ये उनका second importance थी. Third was atomic mass correction of double doubtful elements on the basis of their expected positions and properties. जो हमारे एटॉमिक मास थे, जिन एलिमेंट्स में हमें डाउट था कि उनका ये हो सकता है या नहीं हो सकता, उन्होंने उसे भी प्रूव किया और फिर अपने पीरियोडिक टेबल में उन्हें प्लेस किया. तो ये था हमारा मॉडिफाइड फॉर्म, जिसमें हमारे अलग अलग मॉडिफिकेशंस हुए, जैसे 0 ग्रुप ऐड किया गया, उसके बाद अलग अलग स्पेसेस छोड़े गए. ये देखो, यहाँ पे ये स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे ये स्पेस छोड़ा है, जो एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर नहीं हुए, और जो डाउटफुल एलिमेंट्स थे उन्हें प्रूव किया कि उनका एटॉमिक वेट कितना है, वो कहाँ पे प्लेस होने चाहिए और कहाँ पे नहीं. फिर भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब उसमें कोई ना कोई लिमिटेशंस आई. अब वो लिमिटेशंस क्या थी जिसे ओवरकम करने के लिए हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया? तो डिफेक्ट्स इन मेंडेलीव, डिफेक्ट्स कह लो या आप लिमिटेशंस भी कह सकते हो, लिमिटेशंस, आउटकमिंग्स, शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक, ये सब आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक
और what were the drawbacks, और ऐसे उस पर आ जाता है what was the importance of Mendeleev periodic table. तो आपको ये सब याद रखना है. सो अब देखते हैं क्या डिफेक्ट्स थी, क्या ड्रॉबैक्स थे उसके. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए. हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1A एल्किली मेटल्स, बट इट आल्सो रिजेंबल्स हैलोजन्स ऑफ ग्रुप 7A. जो हमारा हाइड्रोजन है हमने उसे कहाँ प्लेस किया, एल्किली मेटल के साथ ग्रुप 1A में, लेकिन वो प्रॉपर्टीज हमें हैलोजन्स जैसी भी शो करता है. सो दिस पोजीशन इज द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज कॉन्ट्रोवर्शियल. तो जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन जो हमारे पीरियोडिक टेबल थी मेंडेलीव ने जो दी थी उसके अंदर कैसी रही, कॉन्ट्रोवर्शियल, जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. वो फर्स्ट ए में रहेगा या सेवेंथ ए, मतलब या तो वो एल्कली मेटल्स में रहेगा या फिर हेलोजन में रहेगा. सेकेंड वॉज पोजिशन ऑफ आइसोटोप. आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका सेम मास नंबर, जिनका एटोमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. सो एज मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटोमिक वेट, हमें पता है मेंडेलीव ने जो क्लासिफिकेशन की वो किसके बेसिस पे की, एटॉमिक वेट पे. आइसोटोप्स वुड हैव टू बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन ड्यू टू देयर डिफरेंट एटॉमिक वेट. अब किसी एक एलिमेंट के दो आइसोटोप भी हो सकते हैं, तीन आइसोटोप भी हो सकते हैं, तो वो ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि जब आपके अलग अलग आइसोटोप्स हैं एक ही एलिमेंट के, उन सबका एटॉमिक वेट डिफरेंट है, तो वो किस तरह से कहाँ पे प्लेस्ड हो. तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आई पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में. नेक्स्ट वॉज एनोमलस पोजिशन ऑफ सम एलिमेंट्स. कुछ एलिमेंट्स की पोजिशन एनोमलस थी, मतलब डिफरेंट थी, उसे भी नहीं वो जस्टिफाई कर पाए. विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन सम केसेस द एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मास प्रीसीड्स द एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मास. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले छोटा एटॉमिक वेट आएगा उसके बाद बड़ा आएगा, लेकिन जो हमारा मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या हुआ, कई जगहों पर हमारा ज्यादा एटॉमिक वेट पहले आ रहा है और जो लोअर एटॉमिक वेट है वो बाद में आ रहा है. एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का वेट कितना है, 39.9, जो पहले आ रहा है एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम जिसका 39.1 है. अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले पोटेशियम का आना चाहिए फिर एल्यूमिनियम का आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सेम जब कोबाल्ट का देखा हमने, कोबाल्ट का वेट था 58.9 और जो हमारा निकल था उसका वेट था 58.7. तो पहले निकल आना चाहिए बट पहले निकल नहीं है, पहले कोबाल्ट है और फिर निकल है. तो इन एलिमेंट्स की पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए मेंडेलीव. नेक्स्ट वॉज पोजीशन ऑफ लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड. लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड्स वर प्लेस्ड इन मेन पीरियोडिक टेबल. उन्होंने प्लेस ही नहीं किया अपने पीरियोडिक टेबल में लेंथनॉइड्स और एक्टिनॉइड को. तो सबसे बड़ी जो मेजर डिफेक्ट या ड्रॉबैक था वो यही था कि उन्होंने लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड्स को प्लेस ही नहीं किया अपने पीरियोडिक टेबल में. इस वजह से उनकी पीरियोडिक टेबल फेल हो गई और उसे ओवरकम करने के लिए हमारी कौन सी पीरियोडिक टेबल आई, मॉडर्न और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक.